पूर्णिया साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा 1 और 2 अक्टूबर को राज रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप करवाई जाएगी। यह चैंपियनशिप पूर्णिया में पहली बार हो रही है। इस कार्यक्रम में बिहार के सभी जिले के साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। प्रशासनिक और साइकिलिंग के संघ के व्यवस्थापक सदस्यों द्वारा कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन के अलावा खेल प्रशासन अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि कार्यक्रम किस तरह से बेहतर हो। इस संबंध में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि पूर्णिया के बेलोरी से रानीपत्रा के बीच में एक लेन में साइकिलिंग रेस की जाएगी, जो 10 से 20 किलोमीटर की होगी। बेलोरी से रानीपत्रा के बीच बहुत से मोहल्ले और गांव तथा चौराहे हैं। इन सब स्थान के सामाजिक लोगों के साथ एक बैठक की जा रही है, जिसमें सभी लोग शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं इसकी तैयारी की जाएगी और उन लोगों से आग्रह किया जाएगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ने वाला यह कार्यक्रम काफ़ी रोचक होगा और पूर्णिया के लोगों के लिए अनोखा भी होगा। खिलाड़ियों और अतिथियों को रुकने के लिए अप्सरा विवाह भवन, होटल हाईवे किंग तथा 13 रिसोर्ट में तैयारी की गई है। साइकिलिंग संघ के सभी सदस्य इस तैयारी को एक पर्व के रूप में ले रहे हैं तथा यह प्रयास कर रहे हैं कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रहे। 15th बिहार स्टेट साइकिलिंग चैंपियनशिप पूर्णिया में होना तय हुआ है 1 और 2 अक्टूबर को, जिसकी तैयारी सारे संगठन ने मिल हमारे संगठन ने मिल करके पूर्णिया में बिहार साइकिल एसोसिएशन के तत्वाधान में और CFI साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट से उनके खिलाड़ी और उनके पदाधिकारीगण यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में 12 वर्ष से लेकर के और 12 वर्ष 14 वर्ष और 20 वर्ष 12 से 22 वर्ष तक का प्रतियोगिता है। ये प्रतियोगिता बेलोरी में आयोजित किया जा रहा है। बेलोरी से लेकर के रानीपत्रा तक इसका ट्रैक का चयन किया गया है और विशेष सारी जानकारी हमारे सचिव महोदय आपको दे रहे हैं। जी, ये 15वीं राज्य साइकिलिंग पर रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता है। इससे पहले 14 बार पटना में विभिन्न जगहों पे हो चुका है और पहली बार जो है ये पूर्णिया में कराने के लिए जो है पूर्णिया को मेज़बानी करने के लिए दिया गया है, जिसमें साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के पदाधिकारी लोग जो है कल सुबह पहुंच रहे हैं और वो अपने नेतृत्व में ये प्रतियोगिता को कराएंगे। इसमें जो प्रतिभागी लगभग 16 से 18 जिलों के लगभग 150 से 200 प्रतिभागी जो है हिस्सा ले रहे हैं, जो कल सुबह तक हम लोग के पास और कल शाम तक सबको पहुँच जाना है। परसों मीन्स 1 अक्टूबर को हम लोग सुबह में जो है प्रतियोगिता का शुरुआत करेंगे। सुबह 6 बजे से हम लोग का उद्घाटन होने के बाद जो है हमारी रोड साइकिलिंग की एक मुख्य प्रतियोगिता है मास स्टार्ट। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, मास स्टार्ट मतलब एक साथ एक कैटेगरी के सारे बच्चों को छोड़ा जाएगा, जो जनरल कंसेप्ट में है। हम लोग पहले भी यहाँ कराते रहे हैं तो जो बच्चे उसमें 1st, 2nd, 3rd आएंगे हर एक कैटेगरी में, उनको हम लोग जो है उस हिसाब से सम्मानित करेंगे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। और दूसरे दिन जो है वो टाइम ट्रायल है, मतलब एक कैटेगरी के बच्चों को लिमिटेड इंटरवल के बाद मीन्स 15 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट जो मैक्सिमम हम लोग टाइम अफोर्ड कर पाएंगे उस समय, उसके अंतराल पे छोड़ा जाता है और जो बच्चा सबसे कम समय में एक कैटेगरी में जो जीतता है 1st, 2nd, 3rd को विनर घोषित किया जाता है। और इन सब के अलावा जो हम लोग का प्रोग्राम है, जो 1 अक्टूबर को हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट पे एक महिला शक्ति का एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे, जिसमें महिलाओं को एक टॉपिक दिया गया है कि आम आदमी पूर्णिया के विकास में आम आदमी का योगदान मतलब क्या होना चाहिए, आम आदमी किस तरह से विकसित कर सकता है पूर्णिया को, ये कंसेप्ट हम लोग उन लोगों से मांगे हैं, जिसके लिए 20 से 25
गणमान्य हमारी मातृशक्ति और पहले और नारी शक्ति आ रही हैं जो अपनी व्याख्यान देंगी, और उनको जो है साथ में जो डिफरेंट अपने डांस एकेडमी और डिफरेंट डिफरेंट अपने परफॉर्मर जो है पूर्णिया के उनको परफॉर्म करेंगे उनके साथ में, मतलब उनके स्पीच के बाद परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का सारा कुछ सारा प्रोग्राम होगा। जो प्रोग्राम का डिटेल में जो डिस्टेंस का बात होती है, तो वो डिस्टेंस जो है जो 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है वो 10 किलोमीटर का लिमिटेड टाइम किलोमीटर लिमिट किया गया है, और 14 साल से ऊपर के बच्चे जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको 20 किलोमीटर का जो है, मीन्स हमारा जो ट्रैक बनाया गया है वो 5 किलोमीटर का है, एग्जैक्ट 5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है। बिलोरी चौक से 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद एक रोड कट है, रोड कट के बाद से रानीपत्रा फ्लाईओवर उतरने के 200 मीटर के बाद जो है से उनको यू टर्न लेना है। तो ये टोटल 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 5 किलोमीटर का। हर एक जो सबसे कम के होंगे वो एक बार जाएंगे आएंगे, और जो 14 साल से ऊपर के हैं वो एक बार जाएंगे आएंगे फिर जाएंगे फिर आएंगे। तो इस तरह से हम लोग का है, और यहाँ पे जो भी प्रतिभागी जीतेंगे उनको नेशनल के लिए हम लोग तैयारी कराएंगे। जीतने के अलावा भी जो प्रतिभागी हमारे काफ़ी अच्छे लगेंगे उनको हम लोग अलग से भी तैयारी करा करके, और नेशनल में इस बार हम लोग, पिछली बार बिहार से एक बिहार में एक गोल्ड मेडल आया था, इस बार हम लोग चाहेंगे कि 2-4 आए, उस 2-4 के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत हम लोग का पिछले एक साल से चल रहा है, जो साइकिलिंग की पूरी टीम है, और पूरी टीम काफ़ी आसान मतलब आसान्वित है। अभी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं जो फर्स्ट टाइम, ये 14th टाइम नहीं आए थे, 15th रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी ऑब्जर्वर बना के भेजा जा रहा है। मीन्स कि सबकी निगाहें बिहार की तरफ है कि बिहार से एक अच्छा बिहार में एक अच्छा कैरियर बन सकता है साइकिलिंग को लेकर। तो ये पूरी डिटेल आपके सामने हमने रखी। शेड्यूल टाइमिंग क्या होगा? ये शेड्यूल टाइमिंग हम लोग उद्घाटन में 6 बजे के आसपास हम लोग करेंगे, जो 6 बजे से हम लोग का टाइमिंग है, 6:30 तक मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग कैटेगरी वाइज जो है प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। उस दिन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उसी दिन हम लोग करेंगे। दिन भर चलेगी प्रतियोगिता? नहीं, दिन भर नहीं चलेगी, 12 बजे तक मैक्सिमम खत्म। और 2 तारीख को फिर? और 2 तारीख को जो है फिर वही 12 बजे तक हम लोग प्रयास करेंगे, जो सुबह जो है जितने, चूँकि धूप बड़ी कड़ी हो रही है, तो हम लोग का यह प्रयास होगा कि प्रतियोगिता हम लोग जितनी जल्दी हो सके करा लें, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग भले ही बाद में। प्रशासनिक सपोर्ट कैसा? प्रशासनिक सपोर्ट में बहुत अच्छा सपोर्ट अभी डीएम साहब का भी है, एडीएम साहब का भी है, एसडीओ साहब का भी है, इवन एनएचएआई के लोग भी हम लोग को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जो सड़कों की भी देखभाल एनएचएआई के लोग करवा रहे हैं, झाड़ू तक मरवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हम लोग को संगम मिला है एक तरह से कहा। ट्रैक के दरमियान ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरह कर रही है? ट्रैक के दरमियान जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है हम लोग उसमें हर एक कैटेगरी में जब मैच शुरू होगा, मीन्स मुश्किल से जैसे 14 किलोमीटर का, 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों का होगा, वो 5 से 10 किलोमीटर का है, तो ये टोटल 10 किलोमीटर करने में मुश्किल से 20 मिनट लगेगा। तो 20 मिनट हम लोग लोगों को समझाएंगे कि 20 मिनट का समय हमें दे दीजिए, और वो 20 मिनट जैसे ही हमारा वो कंप्लीट होगा तो फिर ट्रैफिक हम लोग यूजुअली चलने देंगे, इस तरह से रहेगी। और प्रशासनिक लोग भी रहेंगे और हम लोग उस हिसाब से जो है मिलजुल के, चूँकि ये मेरे बच्चे तो है नहीं, ये पूरे बिहार के बच्चे हैं, तो ये सबकी जवाबदेही बनती है कि सब आदमी थोड़ा कुछ नया मिलने वाला है। पूर्णिया को कुछ नया जी, हम लोग इस बार ये सोच के चल रहे हैं कि हमें चैंपियन बनना है पूर्णिया, इसके लिए हमने बच्चों को तैयारी, हम लोग तैयारी करा रहे हैं। एक्चुअली एक कैटेगरी में भी बता दूं कि ये सारे के बाद जो है जो सबसे अधिक मेडल जिला जीतेगा उसको चैंपियन ऑफ द इवेंट का जो है अवार्ड मिलेगा। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।